रावण के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रावण कौन था और वो भगवान शिव का परम भक्त क्यों था? आइए जानते हैं, इसके पीछे पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसका उल्लेख शिव पुराण के रुद्र संहिता में 3रे व 5वें अध्याय में दिया गया है। रावण व कुंभकर्ण क्यों बने, इसके पीछे की वजह नारद जी हैं, और नारद जी को तो आप सभी जानते हैं। तो हुआ यूं कि नारद जी जब माया के भ्रम में शादी करना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि लड़कियों को बहुत सुंदर लड़के पसंद होते हैं, तो इसे पाने के लिए वो डायरेक्ट भगवान विष्णु के पास चले गए और बोले कि भगवान विष्णु जी, मुझे शादी करनी है और आप अपनी पावर से मुझे अपने जैसा सुंदर बना दीजिए। विष्णु जी बोले, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा भला उसी प्रकार करूंगा जैसे एक डॉक्टर एक मरीज का करता है। वो इस बात को समझे नहीं और विष्णु जी ने उन्हें सुंदर बना दिया, पर वह सुंदरता सिर्फ अधूरी थी। विष्णु जी ने उन्हें शरीर सुंदर दे दिया और मुंह बंदर जैसा। हाथ पैर को सुंदर देख नारद जी वहां से चल दिए और सोचे हम सुंदर हो गए, और सीधा स्वयंवर में जा पहुंचे। स्वयंवर में बहुत से लोग आए हुए थे जिसमें रुद्रगण भी थे। उन्हें नारद जी का असली रूप भी दिख रहा था और वो ऐसा देखकर उन पर हंस दिए। बाद में उस लड़की के द्वारा भी पसंद न किए जाने पर नारद जी ने सोचा, ऐसी क्या परेशानी है जो इतना सुंदर होने पर भी मुझे पसंद नहीं किया गया। तब रुद्रगण बोले, आप चेहरा तो देख लो, बंदर लग रहे हो। तब उन्होंने एक दर्पण में अपना चेहरा देखा और उन्हें यह देखकर बहुत गुस्सा आ गया, और इस गुस्से में उन रुद्रगणों को श्राप दे दिया। बोले कि तुमने एक ब्राह्मण का मजाक बनाया, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओगे। ये सब सुनकर रुद्रगण वहां से चले गए। कुछ समय बाद जब नारद जी को होश आया कि उन्होंने सब गलत कर दिया है, तो वो भोलेनाथ के धाम घूम रहे थे। वहां रुद्रगणों ने उन्हें देखा तो सोचा, चलो आपने किए की माफी मांग लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। जब रुद्रगण ने माफी मांगी तो नारद जी बोले, मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया, लेकिन मेरे बोले हुए शब्द गलत नहीं हो सकते, इसलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। तुम दोनों मुनि मिश्रवा के पुत्र होगे और तुम्हारी माता एक राक्षसी होंगी, और रावण और कुंभकर्ण के नाम से पूरे विश्व में जाने जाओगे और राक्षस राज के नाम से भी प्रसिद्ध होगे और भगवान शिव के परम भक्त होगे। इस तरह रावण और कुंभकर्ण बने। हर हर महादेव।